बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ फ्रेंड्स। रेस्क्यू 1122 की जानिब से नई जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकेंगे। टोटल वैकेंसीज 1400 हैं। तालीम इसके लिए प्राइमरी से लेकर मास्टर तक रखी गई है। उम्र 18 से लेकर 40 साल तक हो तो आप इन जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकेंगे। मज़ीद इसके रिलेटेड तमाम तर तफसीलात आपसे इस वीडियो में शेयर की जाएंगी, इसलिए आपने कम्प्लीट वीडियो वॉच करनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। तो फ्रेंड्स, इन जॉब्स पर ऑनलाइन अप्लाई होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कौन कौन डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, किस तरह आपने अप्लाई करना है, कौन कौन सी जॉब वैकेंसीज हैं, पे स्केल जॉब वैकेंसीज के अंदर सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी है, एजुकेशन इसके लिए मिडल है, एज लिमिट 18 से लेकर 40 साल तक। उसके बाद धोबी की वैकेंसीज हैं, इसके लिए एजुकेशन लाजमी नहीं है, अनपढ़ लोग भी इस पर अप्लाई कर सकेंगे। धोबी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज लिमिट 18 से लेकर 40 साल तक रखी गई है। बोर्ची की वैकेंसी है, बोर्ची के लिए एजुकेशन मिडल पास होना चाहिए, एज लिमिट 18 से लेकर 40 साल तक। स्वीपर की वैकेंसीज है, इसके लिए एज लिमिट 18 से लेकर 40 साल तक और स्वीपर के लिए एजुकेशन लाजमी नहीं है, बगैर एजुकेशन के भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद माली की वैकेंसी है, माली के लिए भी एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, एज लिमिट 18 से लेकर 40 साल तक। इसके बाद हजाम की वैकेंसीज है, हजाम के लिए एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं, एज लिमिट 18 से लेकर 40 साल तक है। एंड इसके बाद ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी है, ऑफिस अटेंडेंट के लिए एजुकेशन मिडल है, एज लिमिट 18 से लेकर 40 साल तक। हेल्पर हैवी मशीनरी, एजुकेशन इसके लिए मिडल पास, एज लिमिट 18 से लेकर 30 साल तक। स्टोर कीपर, इसके लिए एजुकेशन मैट्रिक है, एज लिमिट 18 से लेकर 30 साल तक इसके लिए। वायरलेस टेक्नीशियन की वैकेंसी है, इसके लिए एजुकेशन FSC है, डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स का तो आपको प्रेफर किया जाएगा, अदरवाइज एजुकेशन इसके लिए FSC रखी गई है, एज लिमिट 20 से लेकर 30 साल तक है। फ्रेंड्स, मजीद इसके रिलेटेड अगर मैं वन बाई वन इनकी तमाम तरह इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इसकी एज लिमिट। एजुकेशन के रिलेटेड आप बात करते हैं डेजिग्नेशन के हवाले से, फायर डेमोस्ट्रेट, मेडिकल डेमोस्ट्रेट, मेस सुपरवाइजर, जूनियर क्लर्क, फायर रेस्क्यू, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, माइंस रेस्क्यू ऑपरेटर, चीफ ड्रिल इंस्ट्रक्टर, सीनियर फायर इंस्ट्रक्टर, सीनियर मेडिकल इंस्ट्रक्टर, सीनियर वाटर एड रेस्क्यू इंस्ट्रक्टर, हॉस्टल वार्डन, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, अकाउंट असिस्टेंट, ट्रांसपोर्ट मेंटेनेंस इंचार्ज, ऑडियो वीडियो कैमरामैन, खतीब मस्जिद, कंपनी हवालदार मेजर। इस जॉब्स के लिए फ्रेंड्स मुसल्ला अफवाज से रिटायर्ड और कम से कम 10 साल सर्विस वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकेंगे, सिविलियन कैंडिडेट इस जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फायर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज है, मेडिकल इंस्ट्रक्टर, वाटर एंड रेस्क्यू, एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। इस पर अप्लाई करने के लिए ETA की ऑफिशियल वेबसाइट से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद आपने चलान फॉर्म UBL की किसी भी ब्रांच में या UBL ओमनी के पास 650 रुपये का चलान फॉर्म पे करना है। फीस जमा करवाने के बाद डिपॉजिट स्लिप की कापी एक जो कैंडिडेट्स की होती है वो अपने पास रख लेनी है। रिटर्न टेस्ट के लिए जब आपको बुलाया जाएगा तो वहाँ पर आपकी जो कॉपी है ये चलान फॉर्म वाली, ये भी चेक करेंगे। इसके अलावा आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बजरिया डाक इनको नहीं भेजने ETA को, सिर्फ और सिर्फ आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, रेस्क्यू की जानिब से क्लियरली बता दिया गया कि आपने फॉर्म फिल करते वक्त जो फ़ोन नंबर वहां पर लिखना है वो किसी भी अदर नेटवर्क पे कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी फ़ोन नंबर के ऊपर आपको मैसेज करके इतला दी जाएगी कि आपकी रोल नंबर स्लिप्स आ गई, उसे डाउनलोड कर लें। एंड उसके बाद रोल नंबर स्लिप्स के ऊपर आपको बताया जाएगा कि आपका टेस्ट किस जगह पर और किस डेट को है। प्रमोशनल SMS ब्लॉक सर्विस भी उस नंबर पर एक्टिव नहीं होनी चाहिए, तब आपको उस नंबर पर मैसेज या कॉल मौसूल हो सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।